गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, चलते हैं क्लास 12 ज्योग्राफी लेसन 6 पार्ट 5 द्वितीय श्रेणी सेकेंडरी एक्टिविटीज। इससे पहले वाले पार्ट में हम जान चुके हैं कि विद्युत क्या, विषय निर्माण क्रियाएं क्या होती हैं और वो किस तरीके से हमारे देश को विकसित करने में अहम रोल अदा करती है। इससे पहले हम जान चुके हैं कि विनिर्माण उद्योग या फिर उद्योग जो होते हैं वो किन आधार पर पृथक या वर्गीकृत किए जाते हैं, तो इसके प्राकृतिक और कृत्रिम के बारे में हम अध्ययन कर चुके थे। अब आता है निर्मित माल प्रकृति के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण, यानी जो माल तैयार हो चुका है उसके आधार पर, उसकी प्रकृति के आधार पर उसका हम वर्गीकरण करेंगे। तो सबसे पहले आता है आधारभूत उद्योग। आधारभूत उद्योग से हमारा तात्पर्य ऐसे उद्योग है जो किसी अन्य उद्योग का आधार होता है, उसे हम आधारभूत उद्योग कहते हैं। तो ये आधारभूत उद्योग इसी टाइप का होता है कि जिसमें कोई उद्योग है, जैसे चीनी के लिए गन्ना जरूरी होता है, तो गन्ना अगर हमें एड का सपोर्ट मिल जाता है तो वो हमारे लिए आधारभूत उद्योग का कार्य करता है, यानी तैयार माल को हम किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। इसके बाद है उपभोक्ता उद्योग। उपभोक्ता उद्योग से हमारा तात्पर्य है कि जो भी हम उपभोग कर रहे हैं, यानी कहने का भाव यह है कि ये वे उद्योग होते हैं जिनमें उत्पादन का प्रयोग प्राय अधिकतर लोग दैनिक जीवन में करते हैं, इन्हें गैर आधारभूत उद्योग भी कहा जाता है। आपको क्लियर हो गया होगा। और आधारभूत उद्योग जिन उद्योगों का निर्मित माल अथवा उत्पाद अन्य अनेक उद्योगों का आधार बनता है उन्हें आधारभूत या मूलभूत उद्योग कहते हैं। इसके बाद है स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण। स्वामित्व के आधार पर यानी हर उद्योग पर कोई साझा होता है, कोई अकेला व्यक्ति पर्सनल तौर पर उद्योग करता है, तो उसके आधार पर यानी स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का अलग अलग वर्गीकरण किया जाता है। उद्योगों का स्वामित्व तथा उनका प्रबंध किसी देश की अर्थव्यवस्था, औद्योगिक बंधता तथा उस देश की औद्योगिक नीतियों पर निर्भर करता है। स्वामित्व व प्रबंध के आधार पर उद्योग निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, ये उसके प्रकार है। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग, निजी उद्योग, सहकारी उद्योग, सहित क्षेत्र के उद्योग, बहुराष्ट्रीय निगम। यानी सबसे पहले आता है स्वामित्व यानी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग। जिन उद्योगों का स्वामित्व एवं प्रबंधन राज्य सरकार या केंद्रीय सरकार के किसी संगठन के पास होता है उसे सार्वजनिक उद्योग कहते हैं, जिस पर सभी का बराबर का अधिकार होता है। नेक्स्ट है निजी उद्योग। इन उद्योगों का स्वामित्व व्यक्तिगत निवेशकों के साथ हाथ में होता है। ये उद्योग निजी संगठनों द्वारा संचालित होते हैं, यानी निजी संगठन का अर्थ है कि इसका पर्टिकुलर एक ही व्यक्ति के हाथ में बागडोर होती है, इसमें राज्य सरकार या केंद्रीय सरकार का कोई रोल नहीं होता। इसके बाद है सहकारी उद्योग। सहकारी उद्योग का अर्थ है जब कुछ लोग एक सहकारी समिति बनाकर किसी उद्योग को चलाते हैं तो उसे सहकारी उद्योग कहते हैं। इसमें कुछ लोगों का समूह होता है, मैक्सिमम 5 या 10 या कोई समिति होती है, वो समिति एकजुट होकर इस उद्योग को चलाती है। इसके बाद है संयुक्त क्षेत्र के उद्योग। संयुक्त क्षेत्र के उद्योगों का संचालन अनेक कंपनियों के संयुक्त प्रयासों से अथवा किसी मिली एवं सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी के संयुक्त प्रारूपों या प्रयासों द्वारा किया जाता है। बहुराष्ट्रीय निगम ऐसे उद्योग जो किसी निगम द्वारा एक साथ कई देशों में चलाए जा रहे होते हैं उन्हें बहुराष्ट्रीय उद्योग कहते हैं।
पर्यावरण बचा दिया होता है, चारों ओर लगे गंदगी के ढेरों पर प्रदूषण के कारण वातावरण उबाऊ प्रतीत होता है, विश्वव्यापी मांग घट जाने के कारण इन प्रदेशों के अनेक कारखाने बंद हो चुके होते हैं, परिणाम स्वरूप बेरोजगारी, उत्प्रवास तथा छोड़ दिए गए औद्योगिक भूखंड जहां आम देखने को मिलती है, उच्च प्रौद्योगिकी उद्योगों की संकल्पना, उच्च प्रौद्योगिकी विनिर्माण क्रियाकलापों में नवीनतम पीढ़ी है जिनमें लगभग 2 दशकों से उच्च प्रौद्योगिकी पर आधारित उद्योग बढ़ते से विकसित हो रहे हैं। उच्च प्रौद्योगिकी उद्योगों की विशेषताएं, इन नए उद्योगों के उन्नत वैज्ञानिक एवं इंजीनियरिंग उत्पाद अत्यंत परिष्कृत होते हैं जिनका निर्माण गहन वैज्ञानिक शोध एवं विकास पर आधारित होते हैं। ये उद्योग बाजार की बदलती मांग के अनुसार अपने उत्पादों में तेजी से सुधार करते हैं, इसी कारण इसके उत्पाद अल्पजीवी होते हैं। इन उद्योगों में श्रम के गतिशीलता बहुत अधिक होती है क्योंकि योग्यता और अनुभव अधिक आय, बेहतर सुविधाओं व सामाजिक स्तर के प्रति संवेदनशील होते हैं। ये जो आपके कुछ प्रौद्योगिकी यानी जिनमें मशीनों का अधिक उपयोग किया जाता है, जो श्रमिक होते हैं वो कुशल होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, इनको अच्छा रोजगार दिया जाता है, इनका भौतिक वातावरण भी अच्छा दिया जाता है। इसके बाद है आपका कुछ प्रौद्योगिकी उद्योगों की उपस्थितियों के कारण। ये हल्के उद्योग होते हैं जो अधिकतर कच्चे माल की जगह है, उत्पादन के लिए अर्धनिर्मित तथा संसाधित वस्तुओं का उपयोग करते हैं, वैज्ञानिक और तकनीकी दक्षता पर निर्भर रहने के कारण ये उद्योग प्राय विश्व विद्यालयों तथा शोध संस्थाओं के निकट स्थापित किए जाते हैं। इन उद्योगों के लिए ऊर्जा की आपूर्ति बिजली द्वारा होती है जो मुख्यतः राष्ट्रीय ग्रिड से प्राप्त होती है। प्रौद्योगिक ध्रुव उच्च तकनीकी औद्योगिक संपूर्ण व प्रौद्योगिकी पार्क, इसके विषय में आप पहले भी पढ़ चुके हैं, इसके बारे में अगला समय दोबारा से बताना चाहूंगा कि विशेष रूप से उद्देश्यों पर आधारित स्वच्छ उद्योग जैसे प्रौद्योगिकी पार्क या उच्च तकनीकी प्रौद्योगिकी संकुल की प्रकृति नगरों की सीमाओं पर या बाहर बनाए गए बस्तियों में स्थापित होने की होती है। नगरों के आंतरिक भागों की अपेक्षा ये सीमांत क्षेत्रों में इन संकुलों व पार्कों को लाभ प्राप्त होता है। जमीन की कीमतें अपेक्षाकृत सस्ती होने के कारण एक मंजिले कारखाने बनाए जा सकते हैं। ऐसे स्थानों पर भविष्य से भी विस्तार के लिए जगह उपलब्ध हो जाती है। प्रमुख सड़कों में रेल मार्गों तक पहुंचने की सुविधा होती है। निकटवर्ती बस्तियों से प्रतिदिन शहर की आने वाले जाने वाले लोगों द्वारा श्रम की आपूर्ति हो जाती है। यानी ये प्रौद्योगिक ध्रुव के ऐसे उद्योग होते हैं जो हमें मुनाफा अधिक देते हैं और हमारी लागत कम आती है। इसमें परिवहन की सुविधा, श्रम की सुविधा, जल आपूर्ति, बिजली, ऊर्जा, इन सब की सुविधा पर्याप्त मात्रा में हो जाती है। इसके बाद आता है आपका औद्योगिक विश्व की बदलती प्रवृत्तियां। ये परंपरागत कारक जो लोगों की अवस्थिति से पहले महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे, उनका पिछले कुछ वर्षों में औद्योगिक दृष्टि से विकसित देशों में महत्व कम हो गया है। इन
उत्पादन को और विकसित कर सकते हैं तथा उत्पाद का और अधिक वितरण कर सकते हैं। इसके बाद है लचीला विशिष्टीकरण, यानी जिसके कारण उत्पाद तो जल्दी बनते हैं और साथ में सुगम और सस्ता भी बनता है। जो श्रमिक होते हैं वो इस चीज में कुशल हो जाते हैं और कुशल होने से ये मार्केट में जल्दी आ जाता है, जिससे मुनाफा अधिक होता है। विश्व के प्रमुख विनिर्माण उद्योग,